मिस्टर स्पीकर जो इस हुकूमत की एक सिंगुलर विजन रही है वो रही है बैग बोरो एंड स्टील डैम बनाना है बैग कर लो पाकिस्तानियों डैम के लिए पैसे दे दो हर जगह प्राइम मिनिस्टर का फंड प्राइम मिनिस्टर का फंड फिर कोई गया तो डैम का भी खत्म डैम का जोश खत्म अब कोविड आ गया है पाकिस्तानी बहुत बुरी तरह हिट हो रहे हैं बड़े से बड़े गरीब से गरीब हर कोई हिट हो रहा है लोगों के पास सैलरीज देने के पैसे नहीं है लाइक लाइक आई रन अ वेरी स्मॉल बिजनेस माई फर्स्ट

इनडायरेक्ट इनकम टैक्स यू नोट इनडायरेक्ट इनकम टैक्सेज मिस्टर स्पीकर यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं जो लोग स्ट्रीट पे पैसे मांग रहे हैं जो लोग इस में बैठे हैं जो बड़े से बड़े बिजनेस ओनर है और जो छोटा सा छोटा जिसके पास काम भी नहीं है जो अनएम्प्लॉयड है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन इक्वली हिट करता है इज दैट स्मार्ट आफ दैट इज स्मार्ट एंड इफ एनी ओनरशिप ऑफ देटर स्पीकर मिस्टर स्पीकर फिर क्या हमें कोई विजन नजर आ रही है इस बजट में बहुत आ गया जो पी एस सीज हुकूमत अपने पहले तीन महीने में कुछ नहीं कर सकती वो आगे भी कुछ नहीं कर सकती इनको दो साल हो गए लेकिन इनसे कुछ पूछा जाइए कहते हैं आपको याद है पीछे कितना गंदा किया भाई पीछे तो गंदा हुआ लेकिन पीछे अच्छा भी बहुत हो गया आप बता दें कि आपने अच्छा कुछ कर दिया आई टोल यू ऑफ द हिस्टोरिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी The PMLN takes some pride in the fact that highways and motorways. Banai. Pakistan People's Party takes great pride in the fact that in Sindh, we have hospitals which are comparable to the best in the world. And we take great pride, Mr. Speaker, let me say this. We take great pride in the fact that till the time this country was following the lead of Pakistan People's Party and its government in Sindh on COVID. हैंडलिंग दिस मोस्ट रिस्पॉन्सिबली वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज और अब ब्लूमबर्ग आर्टिकल्स लिख रहा है कि पाकिस्तान से सीखो क्या नहीं करना हाउ पाकिस्तान टुक इट्स क्राइसिस फ्रॉम ए नॉन क्राइसिस बिकॉज वी है पूरी दुनिया हमारे पीछे सो इट्स आई द एफ इज नॉट टू कंटेन कोविड इज टू इंश्योर दैट पीपल आर फूल्ड टू बिलीव दैट वी हैव ऑल You need to be realistic. You need to tell people what the reality are, what you can do, what you cannot do. And please don't try and camouflage and repackage things. तो तो Speaker, 40 जादा जादा I will just, I will just wrap please. up in like less than five minutes, Mr. Speaker. Mr. Speaker. अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में एम एन एज का के लिए फंड रखें कि वो अपने हलकों में काम करवा सकें और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगेन बुराई है अच्छाई है वो समझते हैं कि जिसको पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट कर दिया बेशक वो पी एम एल एन का पीपल्स पार्टी को पी टी आई का तो माशा उसको कोई था ही नहीं शायद हो वो उस आवाम का मुंतख नुमाइंदे हैं दे डिजर्व टू गि टू द पीपल पीटीआई में बिलीव किया जाता है कि जिसको अगर अवा, अवाम ने पीटीआई का मेंबर को सिलेक्ट किया तो उनको दे डिजर्व इट अगर उनको नहीं सिलेक्ट किया तो अवाम को पीसो yes. उनको डेवलपमेंट ना करने दो उनको गरीब से गरीब तर बना दो और फिर उनसे पूछो कि आप लोगों ने क्या किया इतने दौर में स्पीकर इट्स इट्स एंड इट इज सैड पेज थर्टी थ्री बजट इन ब्रीफ दिस दिस थिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट तो चौबीस अरब रुपए उसमें लिखे हुए हैं जो कि सिर्फ पी टी आई के एम एन एस को जाते हैं डेवलपमेंट करने के लिए आप तो इसको करप्शन कहते थे यू थिंक दिस करप्शन करप्शन वी वी बिकॉज फील बंदा है उसको पता है लेकिन क्या आप बिलीव करते हैं कि सिर्फ आप लोग मुंतखब हैं और जिन्होंने जिन लोगों ने उनको आप पीसेंगे कि उन्होंने इमरान खान को हैंडसम हैंसमिन समझा उसको वोट करने के लिए विल यू मेक दम पे बाई नॉट गिविंग दम डेवलपमेंट इज दिस इज दिस वॉट यू ट्राइंग टू पुट्रे और मिस्टर स्पीकर फिर मैं अगर बिकॉज आपको पता है मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और हैरानगी होती है यहां पे हमें बताया जा रहा है फिलसफाएं दी जा रही हैं फिलोसफीज दी जा रही हैं हाउ वी हैव रिफॉर्म द हेल्थ हेल्थ सेक्टर सेक्टर गेस व्हाट में आप जरा जाके किसी देही इलाके में देखते हैं अब आप लोग मेडिसिन भी नहीं देते फ्री आप कहते हैं दिस इज अ लग्जरी पाकिस्तान नॉट अफोर्ड बिकॉज ये नया पाकिस्तान है आपको पता है लाइनों में लगा के कौन गया होता है वहां पे आपके ख्याल से आपके मेरे जैसे लोग गवर्नमेंट की हस्पताल की सब कुछ बर्दाश्त करते हैं ओ में जाते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये पाकिस्तान के लोग मुजफ्फरगढ़ में आप जाके देखें लोगों को दवाएं नहीं मिल रही और आप बात करते हैं जी सिंध की बिकॉज दैट इज यू टू डू मिस्टर स्पीकर हमने कहा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक किसी किस्म की यूनिवर्सिटी नहीं है हमने बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कॉलेज वहाँ गर्ल्स की कॉलेज पिछले बनवा लिया बट इस दफा हमारी कोशिश थी कि नए पाकिस्तान में शायद हम एक सैटेलाइट यूनिवर्सिटी का वहां पर इनका कर सकें नॉट वॉन्टिंग टू टेक एनी ब्राउन पॉइंट बट वी लुक एट वेपन टू दी बजट एच ईसी बजट को आपने स्लैश करके उनको पास सैलरी पैसे देने के लिए नहीं है मिस्टर स्पीकर क्या यह आपकी विजन है इस मुल्क को आगे लेके जाने की yes. क्या इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं स्पीकर आई वॉन्ट टू ऑल्सो से दैट आप जो रियालिटी है और जो परसेप्शन है उसमें जो फर्क है वो प्लीज हमारी खातिर नहीं इस मुल्क की खातिर क्योंकि आपका मुकाबला हमारे साथ नहीं है आपका मुकाबला अपने साथ अपने आप के साथ है बिकॉज आप जैसा इनकॉम्पिटेंट माशाल्लाह इस मुल्क में कभी आया नहीं है जिसने मुल्क को जहां जहां वो था वहां से कहां तक मुल्क हमेशा बहुत अच्छे हालात में नहीं था हम सारे जानते लेकिन आपने माशाला दिखा दिया कि बाकी लोग जिनको हम खुद अपने आप को उतना कॉम्पिटेंट नहीं समझते थे जितना आपने दिखा दिया बिकॉज टू थाउजेंड एट के फाइनेंशियल क्राइसिस में मिस्टर स्पीकर के फाइनेंशियल क्राइसिस में एक्सपोर्ट टू लेवल आपने रुपी का धस्या नाश कर दिया और फिर आप कह रहे फिस्कल डेफिसिट हमने कंट्रोल किया so, फिस्कल डेफिसिट आपने कंट्रोल ही नहीं किया करंट अकाउंट डेफिसिट मैं बताती हूँ आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कंट्रोल किया जब कोई कुछ एक्टिविटी नहीं है और आपने ट्रेड डेफिसिट किस तरह कंट्रोल किया डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट इम्पोर्ट बढ़ाना मुख्तलिफ होता है सो डोंट प्लीज लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन कर्जा

हम इलेक्ट होके इस हकूमत को लोगों ने अगर इलेक्ट किया है हम सारे यहां डिलीवर करने आए हैं स्पीकर, मैंने अपने मेरा ये तीसरा यू नो पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंटेरियन है मैंने इतनी डिवीजन ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कभी नहीं देखी मैंने कभी नहीं देखा कि ट्रेजरी बेंचेस खुद तमाशा मचाना शुरू कर दें मैंने कभी नहीं देखा ट्रे ट्रेजरी बेंचेस नेवर रीच आउट टू तो यू फॉर एनी टेक ईद ए बुलडोज द लेजिस्लेशन और जस्ट मैंने कभी ये नहीं देखा कि दो साल हुकूमत होने के बाद आप अभी तक पुराने माजी में बैठे हो और जो आपसे सवाल किया जाए आपका जवाब ये होता है कि आप क्या करें और मिस्टर स्पीकर मैं आपको सिर्फ एंड में यह कहना चाहती हूं कि जिन इलाकों से हम आते हैं मैं इस चीज पे मुझे बहुत फख्र है कि मुजफ्फरगढ़ से होते हुए मुझे इस मुल्क को रिप्रजेंट करने का मौका मिला एट द दाइस्ट लेवल्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने इस मुल्क को बेहतरीन तरीके से रेप्रजेंट किया जैसे मैंने कहा यू एन एस सी में मेम्बर बने मिस्टर स्पीकर उस इलाकों में जो इस वक्त हाल है किसानों का वो आपको देखने से कटता और आपने क्या वीट का अभी क्राइसिस खत्म नहीं किया आपका शुगर का क्राइसिस शुरू हो जाता है शुगर का क्राइसिस खत्म नहीं होता वीट का और आप बजाय कि उन किसानों को आप कुछ दें इनडायरेक्ट सब्सिडी ऑफ एनी टाइप आपकी सब्सिडीज किधर जाती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की जेबों में दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस्टर स्पीकर नॉट फॉर आवर सेक ऑब्वियसली बट फॉर द सेक ऑफ द पीपल प्लीज लुक एट योर परफॉर्मेंस